हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री में दो ऐसे लेजेंडरी स्टार है, मेगा स्टार है, जिनकी उम्र जितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है ये उतने ही ज्यादा जवान होते नजर आ रहे हैं। मतलब एक बार के लिए भाई खुद पे शक होने लग जाता है कि भाई अभी तो हमारी जवानी खत्म भी नहीं हुई और लोग देखकर कह देते हैं कि भाई शादी कब करेगा, उम्र निकलती जा रही है। तो वो हमें ऐसा फील कराया जाता है कि भाई हमने क्या ही पाप कर रहे हैं, मतलब इस दुनिया में रह के क्या पाप कर रहे हैं। और यहाँ इनकी उम्र जो है बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। जरूर समझ गए होंगे बॉलीवुड से अनिल कपूर एंड हमारे साउथ इंडस्ट्री में चले जाओ तो अपने सुपर डुपर मेगा स्टार रजनीकांत सर। भाई साहब, इनकी थलाइवर 171 करके एक प्रोजेक्ट का बार बार जिक्र हो रहा था जिसका टाइटल अनाउंसमेंट आज हो चुका है, उसका टाइटल टीजर आ चुका है, यानी कुली इस मूवी का नाम होने वाला है। तो भाई बात करेंगे आज की इस मूवी में क्या मिल सकता है और ये टाइटल टीजर किस हद तक प्रॉमिसिंग है, और जो इसमें नाम जुड़ रहे हैं लोकेश कनगराज एज डायरेक्टर, अनिरुद्ध जो हमारे एज म्यूजिक कंपोजर के रूप में हमारे सामने आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें कितनी प्रॉमिसिंग है क्योंकि इससे रिलेटेड हम पिछले साल ही एक ताजी मूवी देख चुके हैं, लियो, जिसमें लोकेश कनगराज और अपने जो म्यूजिक के जो बेताज बादशाह हैं साउथ की तरफ से अनिरुद्ध, जो इसका कॉम्बो आया था भाई साहब, गूसबम्स लाने के लिए एफर्ट नहीं मारना पड़ रहा था, गूसबम्स जबरदस्ती आ रहे थे और जिस हिसाब के गूसबम्स आ रहे थे भाई एक एक अंग फड़क रहा था उस समय। लियो मूवी आपने देखी होगी थारापति विजय की, भाई जिस हिसाब का सस्पेंस उसमें मिला था, जिस हिसाब की स्टोरी सिनेमाटोग्राफी ऑल थिंग्स जिस हिसाब से मिला था भाई, लोग पागल हो गए थे उस मूवी के। लिटरली मैं मूवी लेंथी थी लेकिन भाई जो कहानी जो राइटिंग जिस हिसाब से जोड़ के रखती है लोकेश कनगराज की वो दमदार है, उसका डायरेक्शन भी दमदार है, प्लॉटिंग जिस हिसाब से होती है लेयर बाय लेयर सारी चीज़ें दमदार थी। तो भाई वही चीज़ वही फॉर्मूला दोबारा से एक एक्स्ट्रा अल्ट्रा प्रो मैक्स के हिसाब किताब से सेट होते नजर आ रहे, क्योंकि थालापति विजय की हम एक्टिंग जानते हैं तो रजनीकांत बावा यार इस मेगा स्टार की एक्टिंग तो हम जानते ही जानते हैं। जब वो लोग ये काम कर सकते हैं अपनी मूवी में तो क्या ये नहीं कर सकते, जबरदस्त कर सकते हैं। टाइटल टीजर से ही पता लग रहा है क्योंकि जो डायलॉग्स इस्तेमाल करे गए हैं रजनी सर की ही लैंग्वेज में, क्योंकि उन्होंने ही डब करी है हिंदी में, तो वो दो दमदार हैं। कहानी सेट करी जा रही है चेन स्नेचिंग वगैरह वाले हिसाब किताब, जो एक माफिया वर्ल्ड से कनेक्शन है और खासकर वहां पर गोल्ड ही गोल्ड देखने को मिल रहा है, गोल्ड वॉच गोल्ड बिस्किट। तो यहाँ पर एच कुली यार कुली का ठप्पा भी देखने को मिला है, तो रजनीकांत सर यहाँ पर कॉप होने वाले हैं या फिर एच कुली होने वाले हैं जो इस क्राइम को रोकेंगे आगे जाकर, ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। दूसरा भाई साहब, ये लोकेश कनगराज जो अपना LCU जो अपना यूनिवर्स बना के चल रहा है जिसमें तीन एंट्री पहले ही हो चुकी है, कैथी विक्रम देर, उसके बाद लियो जो भी पिछले साल आई थी, तो क्या चौथी एंट्री ये होने वाली है कुली यानी थलाइवर 171, क्योंकि भाई यहाँ से साफ नजर आ रहा है और इनकी ही राइटिंग है इनका ही डायरेक्शन है, तो हु नोज कि लास्ट में वो एंगल देखने को मिल जाए, क्योंकि लियो का जो जैसा सिनेरियो इन्होंने स्टार्ट किया था वो सारी चीजें वही वाइब ये वाला टाइटल टीजर भी मैच करते नजर आया है, क्योंकि लियो के टाइम पर ब्लडी स्वीट करके जो थीम दिखाया गया था और चॉकलेट हिसाब का सब कुछ दिखाया गया था, यहाँ पर भाई साहब गोल्ड का दिखाया जा रहा है, वो गोल्ड वॉच देन उसका गोल्ड बिस्किट और वो सारी चीज़ें, मतलब सारा गोल्डन गोल्डन मामला, और मूवी भी गोल्डन हो जाएगी तो फिर मजा ही आ जाएगा। और LCU यूनिवर्स में ये मूवी भी जुड़ेगी या नहीं जुड़ेगी, इसमें डीप नॉलेज अगर आपको भी पता है तो जरूर बता के जाना मेरे साथ, जरूर शेयर करके जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी अगर सरप्राइजिंगली ये चीज़ मिल गई कि LCU यूनिवर्स में ये मूवी कनेक्ट हो जाएगी तो रोलेक्स के सामने ये चार दिग्गज स्टार आने वाले हैं, कैथी से दिल्ली, विक्रम से अपने कमल हसन, देन लियो से अपने थलापति विजय और कुली मूवी से अपने रजनीकांत सर। यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो पसंद आया है और आपने टाइटल टीजर ये देख लिया है अपने रजनीकांत सर का, कुली का टाइटल टीजर, थलाइवर 171 का टाइटल टीजर, तो कैसा लगा आपको ये भी जरूर बता के जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, जय।